है hey गाइट देखोगे आज मैं आपको टाटा पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ टाटा पावर के लिए देखो खबर अच्छी आई है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ और जितने लोगों ने पहले से खरीद रखा है या फ्यूचर में ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख के समझ जाओगे जैसे देखेंगे यहाँ पर पिछले पाँच दिनों से ठीक ठाक है पिछले एक महीने से भी छः महीने से भी और पिछले एक सालों से भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी इसको बोलते हैं सर टेम्प्ररी गिरावट गिरावट हुई थी लेकिन इसको बोलते हैं टेम्प्रेरी गिरावट बीस परसेंट का गिरावट देखने को मिला था और जितने लोगों ने बीस परसेंट के गिरावट में खरीदा होगा तो आज के रेट में वो चालीस परसेंट के प्रॉफिट पे बैठे हैं सिंपल है बीस परसेंट का गिरावट चालीस परसेंट का प्रॉफिट आपको देखने को मिला और ये आजकल के रेट में ऑल टाइम हाई जाता हुआ नज़र आ रहा है सर ऑल टाइम हाई जाता हुआ नज़र आ रहा है ठीक है एटी थ्री थाउजेंड करोड़ की कंपनी हो चुकी है आप छोटी नहीं है बहुत बड़ी कंपनी है और साथ में आप लोगों को जीरो पॉइंट सेवन सिक्स मतलब लमसम वन परसेंट तक का आपको डिविडेंड भी देखने को मिलता और इतना भागने के बावजूद भी ये स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो सर ट्वेंटी थ्री है अगर ये फिफ्टी पे चला जाता है तो बोल सकते हैं बहुत महंगा है लेकिन सर ट्वेंटी के बाजू में मिल रहा है मतलब समझो मतलब सस्ता ही नहीं मतलब अच्छे से अच्छे प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा ऐसा है और अब जो है टाटा पावर ऑल टाइम हाई लगाने वाला है क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि यहाँ पर टू सेवेंटी थ्री रुपीज़ के बाजू में आकर गिरावट देखने को मिला था और अभी अगर देखोगे तो टू सिक्सटी टू में अब जो है ये सारे लेवल को तोड़ देगा यहाँ पर इस लेवल को ये तोड़ देगा और ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश करेगा क्यों हाई लगाने की कोशिश करेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मोदीज ने अपग्रेड कर दिया है टाटा मोटर को सॉरी टाटा पावर को ठीक है यहाँ पर देख सकते हो तो ये जो है कंपनी के लिए एक अच्छी खबर हो जाती है अब जैसे वेदांता को क्या कर दिया गया है डाउनग्रेड कर दिया गया है मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला और इसी की वजह से फाइव टू सेवन परसेंट गिरावट भी देखने को मिला था वेदांता में और इसको जो है एक तरीके से समझो कि मतलब एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है अपग्रेड करके टाटा मोटर समझो कि और अच्छा परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में और ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आजकल के रेट में इलेक्ट्रिसिटी सर इलेक्ट्रिसिटी महंगा होता जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का कंज़प्शन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जैसे कि ई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं ठीक है ई फैलते जा रहे हैं और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो इंडिया के अंदर ही बनना स्टार्ट हो गया है तो सर केवल बनाना थोड़ी है उसको इस्तेमाल भी तो करना है जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर भी हर जगह जगह में मतलब आप देखोगे तो हर जगह जगह में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ता जा रहा है डिमांड भी बढ़ता जा रहा है और सरकार ने इसके प्राइजेस भी बढ़ा दिए हैं कुछ स्टेट में तो प्राइजेस डबल कर दिए हैं सर डबल कर दिया यूनिट वाइज तो डबल ही कर दिए हैं ऐसे करके कर के नए रूल्स आ चुके हैं वहाँ पर कुछ कुछ स्टेट में ठीक है टाटा पावर को बताया जा रहा है यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखते हो वहाँ पर तो बताया जा रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कि ये अभी अभी अगर ये मतलब देखेंगे तो अपने हाई के बाजू में ये ये थोड़ा सा थोड़ा सा केवल एक्सपेंसिव है थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते नॉर्मल है अगर ये आता है तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझो कि एकदम हाई के बाजू में चलना स्टार्ट हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो वरन बफेट बोला करते ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही चीजें टाटा पावर में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा आज से पहले इनका जो 19 एनालिस्ट ने बोला था टाटा पावर के ऊपर रिकमेंडेशन दिया था उनमें से पांच का मानना था बेचिए पांच का मानना था खरीदिए दो का मानना था नॉर्मल है चलो ठीक है दो का भी मानना था नॉर्मल बेचिए नॉर्मल खरीदिए बाकी पांच लोगों का मानना था कि होल्ड कीजिए करके और टोटल जो आउटकम आ रहा था सर इसको होल्ड करने के लिए बताया जाता है ये जो रिकमेंडेशन आप लोग को दिया गया था ये कब दिया गया था ये पहले अभी जो अपग्रेड हुआ है तो इसका मतलब जो बहुत सारे एनलिस्ट जो है इसको अपना जो है ये चेंज करेंगे चेंज करेंगे ये क्या होता है कि चेंजेस होते रहती है होते रहती है तो जरूरी नहीं है कि जो पहले वाली चीज़ें हैं उसको देखिए आप बोलिए कि मतलब जो है बेचने के लिए बोला गया चीज़ें बदलते रहती है ऐसा है बताया जा रहा टाटा पावर पावर का जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे हाई होता जा रहा है पीछे से भी मतलब पिछले बार से भी और इनका जो ई है अर्निंग पर शेयर एक शेयर के ऊपर बात की जाती है ठीक है एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई यहां पर देख सकते हो जीरो पॉइंट एट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू थाउंड ट्वेंटी फोर में आपको बताया इस कंपनी में एक वीकनेस देखने को मिला एक नहीं दो आइए देख लेते हैं वो क्या है वीकनेस यहां पर आपको बताया जाएगा शायद म्यूचुअल फंड है म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर होल्डिंग कोई दिक्कत की बात नहीं है देखो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं उनको जहां वो बदलते रहते हैं रोटेशन करते रहते हैं भाई उनको लॉन्ग टर्म से कोई मतलब नहीं होता उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं होता वो चेंज करते रहते हैं बार बार ठीक है हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेज है प्लेज किया गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो जिस तरीके से इनके पास वर्किंग कैपिटल और फ्री कैश फ्लो है वर्किंग कैपिटल और फ्री कैश फ्लो है इतना ज्यादा भी मतलब कंपनी कंपनी के ऊपर है कि खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम स्टेबल बताया जा रहा है नॉर्मल है कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो ये दो ऐसे वीकनेस थे कंपनी के जो यहां पर आपको देखने को मिल रहे बाकी, बाकी सारी चीजें तो सर स्ट्रेंथ में ही भरी पड़ी है बाकी सारी चीज़ें तो स्ट्रेंथ में ही भरी पड़ी है यहां पर और बहुत ज्यादा भी नहीं है ये 46 परसेंट पर मोटर्स के पास है 1.4 परसेंट प्लेज किया गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतना चलेगा एकदम नॉर्मल हम बोल सकते हैं एकदम नॉर्मल कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि कंपनी की एबिलिटी क्या है देखिए रिजर्व कितना है कंपनी के पास थर्टीन थाउजेंड इनके पास बोरिंग कितना है तो सर एलेवन थाउजेंड चलेगा बोरिंग कम है ना पिछले बार बोरिंग देखिए एटीन थाउजेंड था था कि नहीं था और रिजर्व देखेंगे तो कितना था रिजर्व से टेन थाउजेंड था थर्टी परसेंट रिजर्व बढ़ा है यहाँ पर और फिर यहाँ पर देखोगे तो फोर्टी फिफ्टी फोर्टी परसेंट कम 35 से कम थर्टी फाइव से फोर्टी परसेंट जो है इनका डेट कम हुआ है पहले से तो ये भी तो एक अच्छी खबर है इसको भी तो मेंशन करना है ना कंपनी ने रिजर्व बढ़ाया बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है डेट घटा है ये भी प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है तो धीरे धीरे जाकर कंपनी को मतलब जो और बेनिफिट देखने को मिलेगा अगले साल देख लीजिए दो तीन साल में कंपनी जो पूरी तरीके से लगता है कि डेट घटा देगी पूरी तरीके से और इंडिया का जो पावर कंजप्शन है ना सर वो बढ़ता जा रहा है इंडिया पावर कंजप्शन इंक्रीज बाई फोर आपको बताया जा रहा तो ये एक अच्छी खबर है ना मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट करना होगा ना सर बिल्कुल जनरेट करना होगा इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से कंपनियों को भी फायदा हो रहा है और ये चीज़ें बढ़ते जाएगी ये आपको बताया जा रहा है कि फोर मतलब फाइव परसेंट आप लेके चलो लेकिन वह, और ये तो सर ये चीज़ें कंजप्शन है ना गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस बढ़ा दी हैं कुछ जगह डबल वो भी तो देखना होगा ना और ये कंजप्शन डेली तेज़ी से बढ़ता रहेगा इस वजह से पावर वाली कंपनी बहुत फ्यूचर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और यहाँ तक कि आदानी पावर भी आप लोगों ने देखा था जिस तरीके से गिरा हुआ था रिकवर हो गया पूरी तरीके से पूरी तरीके से इतना एलिगेशन बहुत सारी चीज़ें बोलने करने के बावजूद भी जो है टाटा पावर देखो कितना हाई चला गया तो देखिए और अगर स्टॉक मार्केट में नए तो अपने डिमेट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमिट अकाउंट बिल्कुल फ्री रहेगा डिलीवरी चार्जेस फ्री रहेगा केवल ट्वेंटी रुपीज़ लगेगा वो भी इंटराटे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिनटों में जाकर अपना डिमिट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में